अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अरबियन डेज़र्ट, और ये है लुकैमत, जो कि बहुत ही टेस्टी ये और अरब में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/4 टीस्पून के करीब नमक ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर सफ़ेद इलायची क्रश करके ऐड की हूँ। इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर जाएगा, और 2 से 3 चम्मच के करीब इसके अंदर हम लोग शुगर को ऐड करेंगे, यानी कि शक्कर को ऐड करेंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर दीजिए, और इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर दीजिए। केसर से इसका लुक और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे और इसका बैटर रेडी करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसका जो बैटर रेडी करते हैं वो ना तो ज़्यादा बहुत थिक होता है ना थिन होता है, बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे हम लोग के यहाँ गुलगुले का बैटर रेडी किया जाता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करिए, पानी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का इसका बैटर रहेगा। तो दुबई में जिस एरिया में रहती थी वहाँ पर पूरा वो अरबी लोग का एरिया था, तो लोग अक्सर अफ्तारी, जैसे अपने हम लोग इंडिया में सबको एक दूसरे के घर अफ्तारी वगैरह भेजी जाती है, वैसे अरब में भी ये कल्चर है। तो अफ्तारी वहाँ से आती थी, फर्स्ट टाइम मैं उन्हीं लोग के यहाँ का खाई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची था। ऊपर से ये शुगर सिरप ऐड किया हुआ था ब्राउन कलर का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए बैटर रेडी हो गया, इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर 1/4 कप के करीब मैं शक्कर ले रही हूँ, उतना ही पानी ले रही हूँ, और यहाँ पर फ्लेम को हाई करके चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसके अंदर हम एक लेमन या तो कुछ लेमन के ड्रॉप ऐड कर दें, या फिर इसकी एक पीस कट करके ऐड कर दें यहाँ पर इस तरह। तो जब ये अच्छे से शक्कर गल जाएगी और इसका जो सिरप है ना, बिल्कुल इस तरह हो जाएगा जैसे जलेबी का सिरप होता है। आप चाहें तो इसके ऊपर शहद को ऐड कर दीजिए या फिर न्यूटेला को ऐड कर दीजिए। चॉकलेट्स वगैरह भी इसके ऊपर ऐड करके वहाँ पर मिलता है, और वो भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फ़िलहाल मैं सिंपल वाला बना रही हूँ, ये शुगर सिरप वाला। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छी थिकनेस आ चुकी है। यहाँ पर कुछ इस तरह देख लीजिए, जब हम इसको दोनों हाथ से टच करेंगे तो बहुत ही चिपचिप करेगा। तो बस इस स्टेज पे मैं इसको बंद कर देती हूँ, और थिकनेस आ जाएगी जैसे जलेबी का शीरा होता है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर रही हूँ फ्लेम को, और ये हमारा शीरा यहाँ पर रेडी होगा, देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर एक प्याली में इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह देख लीजिए, इस तरह का हमारा बैटर हुआ। हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और ये काफ़ी काफ़ी हल्का जैसा हो गया, काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं। ये देख लीजिए, एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पहले ही ऑयल को गर्म कर ली हूँ, और इसके अंदर मैं छोटे छोटे बॉल्स बना के ऐड करेंगे, इस तरह का जो मैं बॉल्स बना के डाली थी ना, तो इस तरह साइज़ मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, इसलिए मैं इसको फिर नॉर्मली जैसे हम लोग गुलगुला का बैटर ऐड करते हैं, भजिया बनाते उसी तरीके से मैं बना ली थी। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं नए नए, लेकिन एक्सपर्ट जो होगा, जो डेली बनाता होगा, वही उस तरीके से परफेक्ट बना सकता है। तो बहरहाल मैं इस तरह 1/2 टीस्पून के करीब ऑयल के अंदर ड्रॉप कर देती, इस तरह ये देख लीजिए अपने हाथ से ही डाल देती। फ्लेम को हाई रखें, जब इसको हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे फिर मीडियम फ्लेम करके इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये देख लीजिए, इसको इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट लगेगा इसको ब्राउन होने में। और साइज़ छोटी रहती तो फिर कोई कच्चे रहने के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देख लीजिए, बस उलट पलट के इसको हम फ्राई करते रहेंगे इसी तरह। यहाँ पर ये देख लीजिए, इसके अंदर जो हम लोग केसर ऐड किए ना, उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको केसर पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, और अगर नहीं आपको पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये देख लीजिए, तो यहाँ पर ये तकरीबन फ्राई हो चुका है, तो उलट पलट कर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये डन हो चुका है, ये देख लीजिए कुछ इस तरह। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये जो लुकैमत है, खाने को मैं बहुत बार खाई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको बना रही हूँ। मेरी सिस्टर वगैरह वो लोग बनाया करती थी, मैं नहीं बनाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ना बना सकूँ, और ये परफेक्ट माशाल्लाह से बन गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और ये बहुत ही अच्छी थी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई, स्पेशली छोटे बच्चे, ये देख लीजिए कुछ इस तरह, छोटे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस स्टेज पर आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से इस तरह शीरा इसके ऊपर ऐड कर दें, या फिर इसको डिप करके बनाएं। तो यहाँ पर मैं इस तरह ऐड करी तो मुझे सही नहीं लग रहा था, फिर मैं इस तरह इसको डिप कर करके फिर सबको मैं बारी बारी करके इस तरह रख दी थी।
और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा, ऊपर से बहुत ही क्रंची रहेगा और बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसके ऊपर तिल वगैरह हो तो आप छिड़क दें, फ़िलहाल मेरे पास है नहीं तो फिर मैं नहीं छिड़क रही हूँ, तो ये देख लीजिए। तो इसके ऊपर चाहे तो चॉकलेट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का है। रमज़ान में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।